नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी जी? आप सोच रहे होंगे इस चैनल पर क्या कर रहे हैं, ये इनका तो अलग चैनल था। अगर आपके ऐसे सवाल हैं तो हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज यह वीडियो बना रहे हैं। इसके साथ और भी कई सारे सवाल देख रहे हैं, और जी सवाल जो आ रहे थे, मेरे पर्सनल आईडी को ढूंढ लिया आपने से कई लोगों ने मेरा ईमेल आईडी निकाल लिया, वहां मैसेज आया, बहुत लोगों ने ट्विटर ढूंढ, और कई लोगों ने इंस्टाग्राम, मेरा जो पर्सनल इंस्टाग्राम है उस पर भी मैसेज आया कि सर क्या हो गया, हमसे कोई गलती हो गई क्या, आपने हमें ब्लॉक कर दिया क्या, आपने अपना चैनल डिलीट कर दिया क्या यूट्यूब और इंस्टाग्राम का, हमें कुछ दिख नहीं रहा, आपने कुछ हाइड कर रखा है क्या, ऐसे करके अपने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है क्या। तो जी ऐसे ऐसे ही जितने भी सवाल हैं सारे सवालों का हम जवाब देंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा अंत तक देखिएगा और हम काफ़ी डिटेल में आज बात करेंगे। तो अगर आपके पास समय है थोड़ा कि कुछ समय निकाल सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखें, नहीं तो आप फिर कभी बाद में देख लेना इस वीडियो को। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल था कि आपका चैनल डिलीट हो गया है क्या, तो इसका जवाब है हाँ जी, हमारा चैनल डिलीट हो गया है। हुआ ये कि हम लोग थोड़ा परेशान चल रहे थे अपने थोड़े पर्सनल लाइफ में, तो सोचा कि कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया, सोचा कि चलो बाद में हम लॉग इन कर लेंगे, और सोचा कि वो टेम्पररी डिलीट हो जाएगा, मतलब उस इमोशन के स्टेट में यह भी नहीं सोचा कि वह परमानेंटली डिलीट होने जा रहा है, बस हमने कर दिया वो। फिर क्या हुआ, अचानक से एक घंटे बाद मुझको होश आया, चलिए वो परमानेंटली डिलीट तो नहीं हो गया कहीं, तो फिर से मैंने लॉग इन किया तो देखा वो डिलीट हो चुका है परमानेंटली। तो हाँ जी हमारा चैनल डिलीट हो चुका है, काफ़ी मेहनत था उसके पीछे बहुत ज़्यादा, और ये बात सही है कि वो सारे ज़्यादातर लोग टिकटॉक से ही आए हैं इन चैनल पर, आप में से ज़्यादातर लोग हम दोनों को टिकटॉक पर ही देखे होंगे तो वहीं से आए हैं। तो जी लगभग समझ जाइए 10 महीने टिकटॉक पर मेहनत किया था, तो 7,15,000 के करीब थे फॉलोवर वहाँ पर, वो बैन हो गया, फिर टिकटॉक से कुछ लोग आए इंस्टाग्राम पर, कुछ आए यूट्यूब पर, तो 45,000 के करीब थे फॉलोवर इंस्टाग्राम पर और 45,000 के करीब सब्सक्राइबर थे यूट्यूब के ऊपर, और सब गायब ऐसे ही जी। हाँ हमने जो मेहनत किया था समझिए टिकटॉक पर कह दीजिए कितना, 9 महीने, और इधर YouTube और Instagram पर जो 2.5 महीने, तो लगभग एक तरह से कह दीजिए जो 1 साल जो मेहनत किया हमने, और 1 साल का मेहनत ऐसे गायब हो गया। तो अब सवाल बनता है कि अब हम क्या करेंगे, यह तो चला गया है चैनल, अब क्या करेंगे हम जी? जिस मुकाम पर पहुँचे ना हम सोशल मीडिया में, या जो सोशल मीडिया पर जो प्रेजेंस है हमारा, जहाँ तक भी पहुँचा है, आप लोगों से जहाँ तक जुड़े हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत करी है जी। हमें ध्यान है कि मुझे आदत था टीवी सीरीज देखने का, मूवी देखने का, मैं ट्रेवलिंग वीडियो बार बार देखा करता था, मिथिलेश बैकपैकर का, माउंटेन ट्रेकर का, नोमैडिक इंडियन का, एक रोम रोम जी है उनका ट्रेवलिंग ब्लॉग तो नहीं है, वो जापान में है, उनका भी देखा करता था, एक ट्रेवलिंग देसी है उनका देखा करता था, सभी के यूट्यूब वीडियो में देखा करता, फ्लाइंग बीस्ट है उनका देखता था मैं, तो सभी वीडियो मैंने देखना छोड़ दिया था इधर। क्यों? क्योंकि अपने चैनल पर समय देना था, तो अपने चैनल पर समय दे रहे थे तो लगता होगा कि बहुत आसान है यहाँ पर इतने सब्सक्राइबर पा लेना, ये सब पा लेना, नहीं जी टाइम देना पड़ता है वहाँ पर, तो हमने अपना टाइम दिया था और टाइम दे करके यहाँ पर इस मुकाम तक पहुँचे थे, और वो सब सुहा हो गया एक दिन में, सुहा हो गया सब कुछ। कभी कभी तो जब YouTube पे वीडियो डालना होता था तो रात रात भर जगते थे, और मतलब क्योंकि उतनी ज़्यादा एडिटिंग आती थी नहीं उनको, फिर भी YouTube से देख करके कैसे करना है नहीं करना, रात रात, और रात में नहीं होता था, मॉर्निंग में जग करके, जो कि ये सवेरे जगने वाले हैं नहीं, फिर भी सवेरे जगते थे और एडिटिंग करते थे, बहुत मेहनत करते थे, फिर जाके एक वीडियो डलती थी इनकी, बहुत मेहनत किया इन्होंने। हाँ जी इतना मेहनत करने के बाद और इस स्टेज तक पहुँचने के बाद अचानक से आप नीचे धर्म गिर जाओ नीचे, तो ख़राब तो लगता है जी, नो डाउट खराब लगता है। तो सवाल बनता है कि चलिए चैनल तो डिलीट हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करेंगे, क्या आप यूट्यूब छोड़ देंगे, क्या आप वीडियो बनाना छोड़ देंगे? तो जी इसका जवाब थोड़ा हम डिटेल में देना चाहेंगे जी। ख़राब तो लगता है कि आपका लगभग 7,15,000 टिकटॉक पर, यूट्यूब पर 45,000, इंस्टाग्राम पर 45,000, और वो तुरंत ख़त्म हो जाए, तो ख़राब तो लगेगा।
लेकिन मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो लोग अपना चैनल स्टार्ट कर रहे होंगे 2020 में। कई मेरे ख्याल से लगता है हज़ारों क्रिएटर होंगे, हज़ारों नहीं हो सकता लाखों क्रिएटर होंगे जो इस 2020 में अपना चैनल स्टार्ट किए होंगे। वो भी तो स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो भी तो सीख रहे होंगे कैसे काम चलता है, वो भी तो जीरो से स्टार्ट कर रहे होंगे, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं जी। ये बात अलग है कि हमने थोड़ी सी, नहीं कहते हैं, थोड़ा सा सक्सेस देख लिया था हमने इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। कोई बात नहीं जी, हम नीचे आ गए तो फिर से शुरुआत करेंगे। आप लोग उत्साह बढ़ाते रहना, आप लोग हिम्मत देते रहना, क्योंकि आप लोगों की हिम्मत की बहुत ज़रूरत होगी, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी, क्योंकि कई बार ऐसा स्टेज आएगा कि जब हमें लगेगा कि हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। कहाँ पर 45,000 सब्सक्राइबर थे, कहाँ पर लाख व्यू, 2 लाख व्यू ऐसे ऐसे आ रहे थे वीडियो पर। अब क्या पता हमारे वीडियो पर शायद 100 व्यू आए, 150 व्यू आए, हो सकता है ना जाने व्यू भी नहीं आए, ऐसा भी हो सकता है। तो उस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा, उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत होगी, तो लेकिन हम वीडियो बनाते रहेंगे और हमेशा बनाते रहेंगे, और आप लोग और कई ज़्यादा मेहनत करेंगे जितना किया था उससे कई ज़्यादा, और आप लोग भी हमें पुश करते रहना कि वीडियो डालो, आज वीडियो डालो, तो हम डालते रहेंगे जी, और पहले से ज़्यादा वीडियो हम डालेंगे अब, और शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो सब्सक्राइब। यहाँ भी सपोर्ट करना, हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है GIA700RY, स्पेलिंग वही है GIA GIYA SHASHWATROY, और लास्ट में एक वाई और एक्स्ट्रा जुट गया है इसमें नई आईडी में, क्योंकि पुराना जो GIA700RY है वह तो डिलीट हो चुका है। एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी में ना ऐसे ही उथल पुथल खूब होता है। मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से ट्विस्ट ही हुआ है लाइफ में, मम्मी पापा भी बताते हैं, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, आप सभी को बताएंगे कि कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि आसमान में पहुंच के नीचे जमीन पर आते हैं, ऐसा गिरते हैं कि पूछो। और मेरा लाइफ जो है कभी नॉर्मल नहीं रहा है, हमेशा ट्विस्ट रहता है। अभी भी कुछ दिनों से लग रहा था कि लाइफ सबको नॉर्मल कैसे चल रहा है, मेरा नॉर्मल कैसे हो रहा है, तो लीजिए ये ट्विस्ट आ गया, तो ट्विस्ट आना ही है। यूट्यूब पर हमारी अर्निंग लगभग $60-70 के करीब कट हो चुका था, हमारे व्यू किसी किसी वीडियो पर जो लाखों में व्यू थे जो आ गए थे लगभग 4-5 दिन के अंदर ही यूट्यूब ने अचानक से उसको कट कर दिया, तो 1 लाख व्यू से 74,000 व्यू पर आ गया था वो, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के सब फिर 1-1.5 लाख व्यू पर पहुंच गया था धीरे धीरे। तो जी मेरे लिए लग रहा है कोई नई बात नहीं है, मेरे साथ ऐसे ही चलता रहता है, बेचारी जिया को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप सभी से हम यहीं पर विदा लेते हैं, और हम वीडियो डालते रहेंगे जी, वीडियो हम डालना नहीं छोड़ेंगे, और आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। और अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे, क्या अच्छा लगना जी, आप लोग हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो हमें काफ़ी उत्साह मिलेगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे हम लोग लाइव आते हैं और सबसे बातें भी करते हैं। बिल्कुल जी, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।